नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉपी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक लैपटॉप के बारे में, जो कि 50K के अंडर लैपटॉप मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। पहली बात तो ये लैपटॉप, चाहे तो आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रोग्रामर हो, आपको प्रोग्रामिंग करने का है, कोडिंग करने का है, तो या फिर आप एक वीडियो एडिटिंग करते हो, तो सबके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल सही है। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसके बाद में ये मैं लैपटॉप आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो पाँचवें नंबर पर मैंने लैपटॉप रखा है 50K के अंदर, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहले पांचवें नंबर पे लैपटॉप है वो है एसुस का वीवो बुक 14। दोस्तों, अगर तो आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए तो ये आपके लिए बहुत सही लैपटॉप है। दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये आपको 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। 14 इंच डिस्प्ले आज के ज़माने में देखा जाए तो बहुत सही होती है, ना तो ज़्यादा बड़ा है तो ना ही ज़्यादा छोटा होता है। ये आपको ईजी कैरी करने में बहुत आसानी होगी, आपको कहीं भी लेके जाने का तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं इसकी रैम की, तो आपको 8 GB इसका रैम मिलेगा और साथ में स्टोरेज की बात करें तो 512 GB का SSD मिलेगा और साथ में आपको इसका एक्स्ट्रा स्लॉट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें स्टोरेज कम है तो आप एक एक्स्ट्रा स्लॉट जितना आपको चाहिए 1 TB, फिर 512 GB चाहिए, या फिर जितना भी आपको SSD चाहिए आप बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं इसके हम CPU की, तो इसमें आपको i5 8th जनरेशन का मिल जाएगा। तो ग्राफिक कार्ड की बात करें तो काफी अच्छा MX230 आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 5099 में मिलेगा। तो ये बात है जो पांचवें नंबर पर मैंने लैपटॉप रखा है एसस का वीवो बुक। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम, वो आ रहा है मी नोटबुक 14। ये भी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है। दोस्तों, अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में ज्यादा जानने का तो मैंने ऑलरेडी इस लैपटॉप पे एक पूरा वीडियो बना के रखा है, तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, उसके बाद उसके डिस्प्ले की बात करें तो सेम आपको 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल रहा है। रैम की बात करें तो 8 GB मिल रहा है। स्टोरेज की बात करें तो आपको 512 GB का जो SSD मिल रहा है। तो CPU की बात करें तो वो i5 आपको 10th जनरेशन का मिला है, इसमें 8th जनरेशन नहीं है, इसमें 10th जनरेशन का मिल रहा है। और उसके बाद GPU की बात करें तो MX250 आपको 2 GB मिल जाएगा। और इसमें एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, अगर इसमें एक तो वेबकैम भी नहीं है और एक आपको स्टोरेज का एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिल सकता। अगर आपको अपना SSD बढ़ाने का, स्टोरेज बढ़ाने का, तो आप वो उसको नहीं बढ़ा सकते, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पर रखा है। तो उसके बाद हम बात करें इसमें वेबकैम की, तो वो भी नहीं है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों, इसकी अगर प्राइस की बात करें हम तो ये आपको 4799 में मिल जाएगा। तो उसके बाद जो मैंने तीसरे नंबर पे लैपटॉप रखा है वो मैंने रखा है लिनोवो का IdeaPad S145। तो इसकी बात करें डिस्प्ले की तो इसमें आपको थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा मिल रहा है, इसमें आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ मिल रहा है। स्टोरेज की बात करें तो 1 TB का आपको हार्ड डिस्क मिल रहा है, HDD मिल रहा है, जो आपको SSD नहीं मिल रहा है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसका SSD जी, तो इसकी जो स्पीड होती है वो SSD के कंपैरिजन इसकी थोड़ी स्पीड कम होती है। तो साथ में आपको 256 GB का SSD भी मिल रहा है। तो CPU की बात करें तो आपको i5 10th जनरेशन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो मिल रहा है। और ग्राफिक की बात करें तो MX250 आपको अपना 2 GB का मिल रहा है इसमें, और विंडो 10 होम एडिशन मिल जाएगा। और इसके प्राइस की बात करें तो 4990 में मिल जाएगा। दोस्तों, ये भी लैपटॉप मेरे को बहुत पसंद आया, आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है 15.6 इंच का डिस्प्ले, और साथ में इसकी अच्छी बात जो मेरे को लगी, एक तो 1 TB का आपको हार्ड डिस्क मिल रहा है और साथ में 256 GB का आपको SSD भी मिल रहा है। जैसे कि हमने पहले बात की थी एक मी का, मैंने आपको बताया था उसमें जस्ट आपको 512 GB का SSD मिल रहा है, उसमें आपको एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिल रहा। अगर आपको स्टोरेज ज्यादा पसंद है या आपको कोई हाई क्वालिटी वीडियो होती है जिसको एडिट करते हो, उसका जो स्टोरेज, उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, आपको स्टोरेज कम पड़ती है, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 TB का हार्ड डिस्क भी साथ में मिल रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे मैंने लैपटॉप रखा है वो है एसुस का TUF गेमिंग FX505D। चलो, नाम तो काफ़ी बड़ा है, बट उसके डिस्प्ले की बात करें तो 5.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको जे लैपटॉप, अगर आप गेमर हो, आपको गेमिंग खेलना पसंद है, साथ में दूसरे भी सभी काम करना पसंद है, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आप कोडिंग करते हो, तो आप जे लैपटॉप भी ले सकते हो। तो उसके बाद बात करें इसकी रैम की, तो आपको 8 GB का रैम मिल रहा है, जो कि अच्छा स्पीड हो सकता है। उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो आपको 512 GB का एक SSD मिल रहा है, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिल रही है। दोस्तों, इधर भी एक अच्छी बात है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल रही है, अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप एक और SSD उसके साथ अटैच कर सकते हो। तो उसके बाद CPU की बात करें तो आपको इसमें राइजन का 53550H मिल जाएगा AMD का। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, तो ये जो प्रोसेसर होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, चाहे आपको ग्राफिक का भी कुछ काम करना होता है, जैसे वीडियो एडिटिंग करना है, उसके लिए भी ये प्रोसेसर सही है। तो उसके बाद बात करते हैं हम इसके OS की, तो विंडो 10 होम एडिशन इसमें मिल रहा है, तो गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बहुत सही है। इसके प्राइस की बात करें तो 4890 में आपको ये मिल जाएगा, जो मैंने दूसरे नंबर पर इस लैपटॉप को रखा है। दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपको गेम खेलने का बहुत पसंद है, आप गेम खेलना भी पसंद करते हो, या फिर आपको साथ दूसरे जितने काम होते हैं, चाहे आपका ऑफिस का काम, या फिर वीडियो एडिटिंग करना, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो। ये गेमर के लिए भी बहुत सही लैपटॉप है। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे गेमिंग लैपटॉप के, जो स्पेशल गेमिंग के लिए बनाए होते हैं, जो इतने इतने मोटे होते हैं, उनकी जो कीज़ होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, मतलब कि वो स्पेशल गेमर के लिए होते हैं। अगर हम कंपेरिजन करते हैं उन लैपटॉप के साथ ये लैपटॉप का, तो वो लैपटॉप अच्छे हैं गेमर के लिए। लेकिन जो मैंने इस लैपटॉप लेके आया हूँ, जो आपको 5 लैपटॉप बता रहा हूँ, ये लैपटॉप आप एक ऑलराउंडर लैपटॉप है, आप गेमिंग ही नहीं दूसरे काम भी इसके साथ कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद जो मैंने पहले नंबर पे लैपटॉप रखा है, वो भी एसूस का वीवो बुक गेमिंग F5 सेवर माना है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको 15.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा लास्ट में, तो मैंने अपना दूसरे और पहले नंबर पे लैपटॉप बता रहा हूँ, जो गेमिंग लैपटॉप है, इनकी डिस्प्ले 15.6 इंच है। क्योंकि जो हम जब भी हम गेम खेलते हैं, हमको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, छोटी डिस्प्ले में गेम खेलने का इतना मजा नहीं होता। तो इसलिए जब मैंने जो सिलेक्ट किए हैं ये दो लैपटॉप, इनकी स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है, 15.6 इंच का, जिसका फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये जो लैपटॉप गेमिंग के लिए ही नहीं है, आप दूसरे काम भी कर सकते हो, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो उसके बाद बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो वो आपको बता दिया 15.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले मिल रहा है। तो रैम की बात करें तो 8 GB का आपको रैम मिल रहा है, स्टोरेज की बात करें तो 512 GB का SSD प्लस एक्स्ट्रा स्लॉट आपको मिल रहा है। चाहे अगर आपको स्टोरेज बढ़ाने का, तो एक आप एक्स्ट्रा स्लॉट इसमें डाल सकते हैं। तो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i5 8th जनरेशन का आपको प्रोसेसर मिल रहा है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें GTX 1650 का 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। अगर आपको गेमिंग खेलनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपको कुछ और ऐसे काम करने हैं जो ग्राफिक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो ये लैपटॉप बिल्कुल सही है आपके लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके विंडो की, तो ये आपको विंडो 10 होम एडिशन मिल रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे हम प्राइस करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, तो हमको ये अपना 5190 में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो लैपटॉप मैंने आपके सामने रखे हैं, 5 लैपटॉप, ये ऐसे लैपटॉप है, अगर चाहे तो आपको कोई भी काम करना हो, चाहे आपको गेमिंग खेलनी हो, या फिर आपको कुछ ग्राफिक के डिपेंड ऊपर जो काम होते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह वो करने हो, या फिर आपको कोडिंग करनी हो, तो ये लैपटॉप मैंने जो 50K के अंडर लेके आया हूँ, ये वो लैपटॉप है जो आपके लिए बहुत सही हो सकते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था जो मैंने आपको बताना चाहता था कि 50K के अंडर कौन से लैपटॉप हैं जो आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।